आज मैं जब YouTube पर वीडियो देख रहा था तभी मेरे सामने दो चार वीडियोज आई जो रोड पे हुए एक्सीडेंट की थी। उस वीडियो को मैंने लगभग 5 बार देखा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हमारी चैनल पर इतनी सारी इंटेलिजेंट ऑडियंस है तो वो कब काम आएगी। तो आप सभी के साथ में 2-4 एक्सीडेंट्स की वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ, उसे देखकर आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर एक्चुअल में किसकी गलती थी। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल गुज्जू कार हेल्पर। तो कैम छो दोस्तों, ये वाली इंट्रो लाइन आपने शायद पहले भी सुनी होगी, शायद उसी चैनल पर जिस पर हमारे 1,60,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन सैडली अब वो चैनल आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी पुरानी चैनल गुज्जू कार हेल्पर को यूट्यूब ने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है, जिस पर 1,60,000 सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। सो प्लीज आप सभी से मेरी एक विनती है कि हमारी नई चैनल गुज्जू कार हेल्पर 2.0 को सब्सक्राइब कर जितना प्यार आपने हमारी पुरानी चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप इस चैनल को भी दीजिए। पहली वीडियो है महिंद्रा XUV 500 और ऑटो के बीच में हुए एक्सीडेंट की। सीसीटीवी कैमरे की इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि हाईवे की साइड में ब्लैक कलर की एक XUV 500 रोड क्रॉस करने की ट्राई कर रही है। यहां पर XUV 500 वाला जब रोड की दूसरी साइड में जा ही रहा था तभी उसी रोड पर एक ऑटो वाला भी आ रहा था। ट्रैफिक कम होने की वजह से वो ऑटो वाला थोड़ी तेजी से आ रहा था और XUV 500 वाले को भी शायद कहीं जाने की जल्दी थी, जिस वजह से ऑटो वाले के रास्ते में वो XUV 500 वाला आ जाता है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि महिंद्रा XUV 500 को तो हाथी बोला जाता है, सो उसे तो कुछ होने से रहा। लेकिन ऑटो जैसे थ्री व्हीलर के तो ब्रेक भी इतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते, जिनसे ऑटो इम्बेलेंस होकर पलटने का खतरा भी ज्यादा रहता है। सेम एज यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, ऑटो उस कार से टकरा कर वही रोड पर इम्बेलेंस होकर पलट गई। अब रही बात गलती की तो वो तो आपको ही डिसाइड करना है कि यहाँ पर किसकी गलती थी। थैंकफुली यहाँ पर किसी को भी सीरियस इंजरीज नहीं आती, लेकिन इसे देखकर हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो रोड पर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरा वीडियो है फोर्ड एंडेवर और ह्यूंडई सेंट्रो के एक्सीडेंट का। दोस्तों आपको तो पता है कि फोर्ड की एंडेवर साइज और पावर में कितनी बड़ी और उसके सामने ह्यूंडई की सेंट्रो कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा बोला जाए कि अगर इन दोनों गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट होता है तो ह्यूंडई की सेंट्रो फोर्ड एंडेवर को पलटा देगी, तो क्या आपको यकीन होगा? जी हाँ दोस्तों, एक पल के लिए तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस वीडियो को देखकर मुझे भी यकीन हो गया। यहाँ पर इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि मेन हाईवे पर जब फोर्ड एंडेवर रोड क्रॉस करने की ट्राई कर ही रही थी तभी सामने से एक ह्यूंडई सेंट्रो तेजी से आती है और उस फोर्ड एंडेवर को साइड से हिट कर देती है। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रो की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टक्कर लगने से फोर्ड एंडेवर पूरी तरह से पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में दोनों गाड़ियों को काफी डैमेज आया, लेकिन फिर भी दोनों गाड़ियों में बैठे ड्राइवर और पैसेंजर को मामूली चोटी आती है। अब ये वाला इंसिडेंट मारुति सुजुकी अल्टो के ओनर के साथ हुआ था जब वो उत्तराखंड के किसी हिली रोड पर जा रहे थे। यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि हिली रोड पर एक मारुति अल्टो ऊपर की साइड में जा रही होती है। अल्टो थोड़ी स्पीड में थी और रोड भी काफी नेरो थी। ऐसे में आगे मोड़ पर सामने से एक ट्रक आ रहा था जिसे ओवरटेक करने के चक्कर में एक बाइकर इस अल्टो के सामने आ जाता है। अचानक से सामने आई उस बाइकर को देखकर अल्टो के ओनर अपनी अल्टो को एकदम से मोड़ लेते हैं, जिनसे उसकी गाड़ी के एक साइड के दोनों टायर्स रोड के साइड में बनी नाली में गिर जाते हैं। यहाँ पर इस अल्टो वाले को शायद थोड़ा सा नुकसान आया होगा, लेकिन उनकी ऐसी समझदारी की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। वैसे तो यहाँ पर सब क्लियर है कि यहाँ पर किसकी गलती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर किसकी गलती थी वो कमेंट करके जरूर कहे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल गुज्जू कार हेल्पर को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।